आज स्पेशल सेंटर लगनिया रोड जोगिया कुछ ही लंबे श्री अशोक मंडल जी तो ये उद्घाटन जोरदारों से स्वागत करते हुए इस समय में सावित्री बायोफ्यूल सेंटर यहाँ गरिमा उपस्थिति पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आउन डर आगा म 50 ने ते जे जहां खड़ा छ ते जाउन ओट बॉय हमरा के दी हम तक पहुंचा दे दी एहन जगह भरी खड़े रहते इधर देखिए बिहार के। तो इस समय में BBFS मोमेंटो से सम्मान करते हुए श्री धनीलाल सिंह जी माननीय श्री गुलाब यादव जी एक्सएमएलए जो हमारे शानदार नेता है श्रीमान गुलाब यादव जी को सम्मान करेंगे। जदयू के जो परम सम्मानित शानदार अध्यक्ष हैं श्री राजकुमार सिंह जी शानदार ताली से स्वागत करेंगे सिंह जी श्रीमान गुलाब यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो श्रीखंडा पंचायत के हमारे शानदार मुखिया जी हैं वर्तमान में श्री अशोक मंडल कृष्ण सिंह जी समय जो कि परमा पंचायत के जदयू के अध्यक्ष भी हैं श्री कृष्णदेव सिंह जी जो इस समय में माला और चादर से इस माला से इस रंजीत जी से पद्मा पंचायत के जो वर्तमान हमारे शानदार मुखिया जी हैं श्री सुधीर पासवान जी जो मंचासीन हैं उनको सम्मानित करेंगे श्री धनिक लाल सिंह जी। सिंहपुरा पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं अशोक मंडल जी इनको सम्मानित करते हुए पांच माला रक्षा करने के नाम से अपने को आहूति हुआ निश्चित रूप से पवन परिवार के सदस्य होने के नाते हमारे भी शुभ कामना है और हम तो चाहेंगे कि हम लोग जब भी इस सड़क से गुजरना आना जाना बराबर रहता है निश्चित रूप से इसी पेट्रोल पंप पर जब कभी भी मौका मिल जाते हैं हमारा ने कहा से काम करेंगे और आप लोगों से मेरा अनुरोध और विनती करेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग भी उत्साहित करें प्रोत्साहित करें और जिस आशीर्वाद और सहयोग से यह परिवार पले फूले पेट्रोल पंप और विस्तृत रूप में इसका आकार हो इसको लेकर के निश्चित रूप से इस ग्रामीण परिवेश में जो भी हमारे किसान भाई हैं खेती ट्रैक्टर इत्यादि हर तरह से जो भी यहाँ पर हो शुद्ध डीजल यहाँ आपको उपलब्ध होगा और यहाँ निश्चित रूप से आप ग्राहक बने और इस कार्य क्षेत्र को इस व्यापार को पूरे आशीर्वाद के साथ बढ़ावा देने का काम करें यही आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सेंटर का जो उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे बड़े भारत के रूप में माननीय पूर्व विधायक गुलाब यादव जी उपस्थित थे हमारे मंच के सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे हमारे यहाँ के मतदाताओं मीडिया कर्मी के साथीगण और जो उनके संचालक है जो आज से लेकर किए है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सुदूर ग्राम क्षेत्र में इस तरह का लाभ देने का काम किया और ये जो आज जो जिस चीज का उद्घाटन हुआ है ये हमारे जीवन के लिए ही नहीं सभी लोगों के जीवन के लिए और घर के लिए उपयोग होता है। तो हम लोग जो उपयोगी सामान है जो यहाँ से हम सरकारी करेंगे और उस पेट्रोल पंप का लाभ को हम दोगुना इनकम बढ़ाएंगे। आज जिस तरह से हमारा बिहार तरक्की कर रहा है जिस तरह से
रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। हम चाहेंगे इसी तरह हमारा जो बिहार मधुबनी और जिला मधुबनी ये तरक्की करें, यहाँ के लोग तरक्की करें, ताकि हम लोग खुशहाल रहे, हमारा जो जनता यहाँ के मतदाता है वो खुशहाल रहे। और इस उद्घाटन समारोह में जो हमारे मतदाता आए हुए हैं, मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। तो काफी सारी हमें बेनिफिट्स है और उसमें काफी सारी जो क्वालिटी है। और गाड़ी में ऐसा है कि कोई भी इसमें इंजन चेंज करने की जरूरत है, जैसे कि आप इंजन ऑयल का डलवा लेते हैं, आने के बाद फिर आकर बायो डीजल का मिल रहा है तो बायो डीजल का आप डाल दीजिए, और फिर आपके हिसार का हिसार करा सकते हैं, नायरा का मिल रहा है तो नायरा करा सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम करा सकते हैं। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, गाड़ी में अच्छी तरीका और अच्छा वर्क करेगा, अच्छी तरीका से ये स्मूथली वर्क करेगा। और ये कोई प्रूफ वाले कोई ये देश का फेल है, कोई विदेश से नहीं आता है, इसका लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसको तैयार करके, जैसे कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंदौर का उद्घाटन किया, इंदौर प्लांट का पूर्णिया में, वो उसको लेके जो हम लोग पेट्रोल का डीजल पेट्रोल बी हंड्रेड और ई हंड्रेड का सारा जगह गाड़ी में यूज कीजिए और बहुत ही अच्छी तरीका से ये वर्क करें।